यहाँ बैठना बैठो, मैं अपना गमछा हटा लूँगा। आपकी कोई फेवरेट प्रोफाइल है? नहीं कोई नहीं। ठीक है, आप उधर ले लिया आपने, ठीक है। मुझे बोला गया है कि ढूंढ लो तुम्हारी फेवरेट। हम टिप टॉप भी कर सकते हैं, मजा ही करना है ना। ठीक है ठीक है, फिर ठीक है। कितना पैसा मिलता है प्रमोशन का? प्रमोशन का नहीं मिलता भाई, पैसा नहीं मिलता। नहीं यार, मतलब ये आप फ्री में कर रहे हो? ये फ्री में करना पड़ता है खुद की फिल्म के लिए, सिर्फ मैं बिना पैसों के काम कर रहा हूँ, बाकी सब आप रिलैक्स। हाँ हाँ, मैं अगर चेयर आगे पीछे करनी, क्योंकि थोड़ा नेचुरल सा है। हाँ, ये जो है ना, मुझे लग रहा है हमारे घुटने टकरा जाएंगे दूसरे से। भाई मैं तो इतना ऑर्गेनाइज शूट कभी करता नहीं हूँ, ठीक है। मतलब मेरे सेट पे ना, जब मैं अपने चैनल के लिए इंटरव्यू करता हूँ तो चार लोग होते हैं मैक्सिमम। किस किस सरकार बन रही है महाराष्ट्र में? और लोग हंसेंगे फिर। ठीक है, वो नहीं करना मुझे, मुझे आइडिया नहीं यार क्या चल रहा है। इंटरेस्टेड भी नहीं, मतलब उतना उस पर ध्यान, अपना काम ही इतना है कि उस पर क्या ध्यान देंगे। एक्चुअली मैं पॉलिटिकल फैमिली से आता हूँ। अच्छा, तो मैंने कैसे कैसे, मतलब जहाँ से मैं हूँ, खैरथल नाम की जगह है, स्मॉल टाउन, नगर पालिका क्षेत्र है और विधानसभा क्षेत्र है, तो वहाँ पे मेरे मौसा जी। डिस्ट्रिक्ट कौन सी? अलवर। अच्छा, अलवर डिस्ट्रिक्ट। अलवर डिस्ट्रिक्ट में तो विधानसभा क्षेत्र है, मौसा जी कई मतलब मिनिस्टर रहे हुए हैं। आपके मौसा जी मिनिस्टर रहे हुए हैं? मतलब मौसी जो हैं वो चेयरमैन रही हुई हैं नगर पालिका की। अच्छा। मेरी सिस्टर खुद मेंबर थी, वार्ड मेंबर थी अभी। रियल सिस्टर? हाँ रियल सिस्टर, छोटी बहन। बट मेरा कोई लेना देना विच इज फाइन। मैं बेसिकली मतलब लिटरली मैं वोट देने गया था और वहाँ पे भी मैं पूछ रहा था कि अच्छा कौन कौन कैंडिडेट्स हैं, तो किसी ने ताना भी मार दिया। तुझे क्या लेना देना? कैजुअल ताना नहीं था वो, बहुत इमोशनल ताना था कि तेरी बहन का इलेक्शन है और तू सिर्फ वोट देने आया, वो भी एक घंटे पहले। और पूछ रहा है कि कैंडिडेट कौन है? बहन में ही पूछ रहे हो कैंडिडेट कौन है? अपनी बहन को वोट दो, मतलब बाकी कैंडिडेट्स कौन कौन है, क्या लग रहा है कौन जीतेगा। बोली ये फेक मत, नाटक मत कर कि तू कंसर्न है कि कौन है और कौन जीतेगा, तू आज एक घंटे पहले वोट डालने आया और तू ऐसा कंसर्न दिखा रहा है। तो आई थिंक मैं काफी टाइम पहले इन चीजों से निकल गया, बिकॉज इट्स लाइक पहले बहुत इंटरेस्टेड था मैं, सारे इलेक्शन में इन्वॉल्व रहा हूँ। अच्छा, मतलब बचपन में? हाँ हाँ, जो इलेक्शन कार्यालय होते थे उनमें बैठा रहता था, वो पैम्पलेट्स बांटना। यू कैंपेन फॉर योर फैमिली? हाँ, हर इलेक्शन में। तो नेक्स्ट इलेक्शन जो था उसमें मैं काफ़ी, मतलब मैं शायद 8th 9th में था, ठीक है। तो अब वो इलेक्शन थोड़ा टाइट था, क्योंकि जो सामने वो था कैंडिडेट था वो बहुत स्ट्रांग था, तो माहौल थोड़ा सा टाइट था कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ठीक है। तो सब लोग अलग अलग तरह के फंडे देते थे, रोज़ रात को मीटिंग होती थी मौसा जी के साथ, तो बोलते थे कि भाई क्या क्या है, माहौल क्या है, तुम्हारे क्षेत्र में क्या माहौल है। बोलते कुछ नहीं साहब, 9 कंबल ओढ़ के सो जाओ, जीत आपकी है। आज रात 9 कंबल ओढ़ के सो जाओ, जीत आपकी है। तो ये टोटका था कि 9? हाँ ये टोटका। आई थॉट लोग बोल रहे हैं कि इतना आराम से सो के जीत रहे हो। अच्छा ये टोटका बताया? टोटका है। एंड रोज रात को मीटिंग होती थी, क्या माहौल है, क्या लोग क्या बोल रहे हैं उस क्षेत्र के। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक दिन मैं उन लोगों के साथ गया जो कैंपेन करने जा रहे थे, बड़े लोग थे वो। ठीक है। आपकी तो एज कितनी रही? मैं था 8th 9th class में था मैं। अच्छा। तो एक दिन मैं उनके साथ चला गया कि इस गांव में जा रहे हैं ये लोग जीप लेके, बैनर वैनर लेके। तो घुसा मैं जीप में और तो गाँव में एक चौराया था, वो वहां गए, उन्होंने जीप घुमाई और चौराया खाली था, और जीप घुमाई पैम्पलेट फेंके उन्होंने खाली खाली जमीन पे, और वो वापस आए। और ठीक है, मुझे लगता है ऐसे ही होता होगा कैंपेन। ठीक है। आए और शाम को फिर मौसा ने पूछा कि हाँ भाई क्या माहौल है तुम्हारे क्षेत्र में। हाँ, उन्होंने क्या बोला? भाई साहब एक एक बंदा आपको वोट देगा उधर। मैंने कहा झूठ बोल रहा है यार ये आदमी। इस वक्त एमएलए है वो कि नहीं? नहीं नहीं, अब नहीं। अच्छा, अब नहीं, अब उनके बेटे इन्वॉल्वड हैं सब पॉलिटिक्स में। यू आर द स्टार हु इज गिविंग ऑल द यूट्यूबर्स आई थिंक अ टेम्पलेट, एटलीस्ट फिक्शन में, क्योंकि नॉन फिक्शन का अलग होता आई थिंक। हाँ, जो हम लोग थे TVF ने जो स्टार्ट किया था, पहले थे इंडिया में जिन्होंने यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाना शुरू किया, उससे पहले नहीं थे, उससे पहले सिर्फ गाने थे यूट्यूब पे या मतलब ऐसी नॉन फिक्शनल चीज़ें थी कि खाना कैसे बनाए या ये गाड़ी कैसे चलती है। आपका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत सही लग रहा है। सही लग रहा है, मतलब एक ऑरा होता है वो जब स्टार बनने पर आता है वो दिख रहा है। बेसिकली मुझे लगता है कि तुम स्टार बोलते ही मेकअप दादा आ गए। नहीं, आप उसकी बात कर रहे थे ना कॉन्फिडेंस, ये वो आपको के, मतलब मुझे लगता है do you also feel an internal change? No, मुझे लगता है कि तुम ऐसे ही होते हो। ये तुम सोचते हो कि जब ऐसी चीजें होंगी तो तुम ये बोलोगे, तुम प्रिपेयर करते हो। ये अभी का नहीं है। अच्छा, ये आज तक प्रिपेयर किया हूं। ये 10 साल का है पूरा। ये एक रात का चेंज नहीं है, मतलब यू थिंक ना कि अरे जब इंटरव्यू होगा, मेरा इंटरव्यू होगा, तुम देखते हो ना बहुत सारे स्टार्स को कि मेरा इंटरव्यू होगा तो मैं ये वाला विट डालूंगा। मैं भी विट ही दिखूंगा। मैं भी अपनी चीजें बताऊंगा। तो आई थिंक ये वो वाली प्रिपरेशन है जो डे वन से थी, नॉट कि आज से ये। और उसमें तो शाहरुख के इंटरव्यूज तो भाई, हाँ, अरे वो सारे तो, मतलब उससे ज्यादा विट आपको कहीं देखने को। एनीवन हु न्यू हाउ टू गिव इंटरव्यूज, करेक्ट,
कैसे बात करनी जनरली लोगों से, कैसे को कैसे एंगेज करना है, कैसे एंटरटेन करना है, आई थिंक उनसे बेटर कोई नहीं जानता. तो कावेरी अम्मा या मेलाराम? मोहन बाबू आइए कभी हमारे अखाड़े, उष्टी उष्टी हो जाए. बड़ी हंसी आती थी यार इसे. वो न्यूक्लियर फैमिली में अब मौसा जी का पता चल गया, ये तो मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था. इतना बढ़िया किस्सा सुना दिया आपने. न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन है और बचपन में किस टाइप का उसका डायनामिक था, थोड़ा बताओ यार. तो खैरथल में हम लोग हैं. हाउ बिग इज योर हाउस? जॉइंट फैमिली में रहा हूँ तो मैंने पूरा देखा है, लाइक एक झोपड़ी से टू बिग हाउसेस, ये पूरा स्टार्टेड फ्रॉम द झोपड़ी. हाँ, झोपड़ी से लेके पूरा बड़ा घर तक मैंने पूरा प्रोसेस देखा है. कैसे किया है उन्होंने. सो बहुत एक फिल्म शोले. इतनी बड़ी स्टोरी है. और बताओ लाइफ में बेस्ट फ्रेंड कौन है, कोई हो जाए कुछ लाइफ में दोस्त अभी कौन है? फ्रेंड्स हैं पुराने टीवीएफ के जो जो साथ में स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग के लोग. तो चार पांच लोग वो हैं जो एकदम क्लोज फ्रेंड्स हैं. वो साइड है आई थिंक समीर सक्सेना, बिश्वपति सरकार, अमित बेस्ट, अमित गुलानी, खन्ना. ठीक है, तो ये सब लोग काफी क्लोज हैं हम लोग. खन्ना कौन? सौरभ खन्ना इज द राइटर ऑफ कोटा फैक्ट्री. अच्छा, ओके ओके, गॉट इट. अच्छा ठीक है. हां, सो ही इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर इन पोषंपा. एक तो यही है मेरे जो मुझे मैनेज कर रहा है, जसमीत सिंह. अच्छा, कॉलेज. हाय जसमीत, इज योर कॉलेज फ्रेंड? कॉलेज. ही इज आईटी ग्रेजुएट. हेलो सर, आप इधर आइए ना. मैं यहां क्या कर रहा हूं? ही इज आईटी. आई एम. ओके, आई एम ए. हां, ही इज चेतन भगत. हां, ही चेतन भगत. व्हाई इज जादूगर जितेंद्र कुमार्स बेस्ट वर्क टिल नाउ? अरे ये होता है, ये तो अभी फिल्म आएगी, देखेंगे लोग तो पता चलेगा कि बेस्ट वर्क है या नहीं. क्योंकि ये बहुत स्पेशल फिल्म है उन लोगों के साथ है जिन लोगों के साथ मैं बॉम्बे आया हूँ. लाइक बिश्वपति सरकार, मतलब कॉलेज फ्रेंड सीनियर जो मुझे लेके आए बॉम्बे कि भाई मैं लिखूंगा और अपना यूट्यूब पे कुछ आएगा, अपन बनाना स्टार्ट करते हैं, तो चल बॉम्बे, तेरी जॉब लगने वाली नहीं है, तो तू चल. तो वो लेके आए एंड फाइनली उन्होंने फिल्म लिखी है. हाँ, इट्स हिज फर्स्ट फिल्म. और जो डायरेक्टर हैं समीर सक्सेना, उनकी भी पहली. तो इन लोगों ने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया जिसका नाम है पोषंपा. अच्छा, इन लोगों की फर्स्ट फिल्म है. हाँ, समीर सक्सेना, अमित गोलानी, बिश्वपति सरकार एंड सौरभ खन्ना. आप इस प्रोडक्शन हाउस में पार्टनर हो या सिर्फ एक्टर? नहीं नहीं, मैं एक्टर हूँ. मैं किसी भी प्रोडक्शन का पार्टनर नहीं हूँ. ठीक है, मैं बनूंगा प्रोड्यूसर बाद में. प्लान पक्के? प्लान्स हैं. अपनी कमाई का कितना कट बिश्वपति सरकार को देते हो आप, मेरे को ऑनेस्टली बताना. बिश्वपति अब बहुत अमीर आदमी है. मतलब उससे लेने पड़ते मुझे. मतलब सीरियसली बहुत अमीर? नहीं, मतलब मुझसे तो अमीर. बताओ ना, आप कितने अमीर हो? वो प्रोड्यूसर है. आप कितने अमीर हो? थोड़ा अपने ड्यू कैलकुलेट और बैंक अकाउंट नेटवर्थ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं आता है मुझे. मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस अभी कमाई शुरू हुई है. तो अब लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई क्या कर सकता हूँ मैं. बट अभी कंफर्टेबली पैसा आ रहा है या थोड़ा अभी टेंशन है? नहीं, पैसों को लेके मैं जनरली जितना भी होता है मैं हमेशा कंफर्टेबल रहता हूँ. ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मुझे चाहिए वो पैसा नहीं है, वो कुछ और है. क्या? नहीं, वो वही यार कि मैं मतलब बड़ा एक्टर बनूँ और बड़ी कहानियाँ बोलूँ और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाऊँ, ये एम है. तो मुझे लगता है कि अगर ये सब सही रहा तो वो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, हो जाएगा. अगर ये हो जाएगा क्योंकि वो देखा है मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मतलब बिल्कुल खाली हाथ आए थे एंड वो चीज़ें होती गई अपने आप. मतलब जो तुम्हें कंफर्टेबल उस टाइम पे जो कंफर्टेबल वाली कराने वाली चीज़ें वो तुम्हें मिलती रहीं टाइम के साथ साथ. तो ऐसा कोई इशू नहीं आया. तो मुझे लगता है कि हाँ, मेन फोकस ये है, अगर ये फोकस्ड रहे तो बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी. जावेद जाफरी के साथ काम करना कैसा रहा मुझे? अरे बहुत मज़ेदार यार. मतलब वो बहुत भाई, अब जो एक्सपीरियंस एक्टर्स होते हैं जो आते हैं, मतलब जिनका एक्सपीरियंस होता है 30 साल का, ठीक है, और वो आते हैं तो उनके पास बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जनरली बताने को. कुछ ऐसा होगा जो याद रहे. कम ऑन, ऐसे मत करो. वो जिस एज में हैं वो एज के वो लगते नहीं है. मतलब करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल भी नहीं लगते, बिल्कुल भी नहीं लगते. तो उनका एक सीन था जिसमें वो फ्लैशबैक में हम लोग जाते हैं उनका यंगर वर्जन देखने के लिए. और पहले सोचा था मतलब डायरेक्टर ने कि क्या कोई किसी और एक्टर को के साथ किया जाए वो, ताकि वो यंग दिखे. एंड ही वाज लाइक, अरे एक बार ट्राई करो, आई विल डू इट. अच्छा, मैं लूंगा. और वो मतलब बहुत पता ही नहीं चलेगा, एकदम यंग लगे हैं और एकदम लड़के लगे हैं मतलब सडनली. और हम लोग सब लोग छेड़ रहे थे उनको. देन ही मतलब उन्होंने अपनी असली एज बताई, ब्रो This is my age. And मतलब निकल गया. How old is he? He is 60 plus, right? और आपने इस फिल्म के लिए जादू सीखा है? दो तरह के जादू थे. तो एक तो स्टेज शोज है,
जिसमें बड़े बड़े प्रॉप्स हैं उनके साथ जादू करना है, और एक है जो जो वो इम्प्रेस करने के लिए अपने दोस्तों के बीच में या अपनी गर्लफ्रेंड्स के बीच में जो करता है। अच्छा ठीक तो है, उनको इम्प्रेस करने के लिए जो चीजें करता है तो वो स्ट्रीट मैजिक में आता है जो हम फटाक से कुछ करते हैं। दो अलग अलग लोगों ने सिखाया, जो स्टेज वाला था तो वो एक प्रॉपर जादूगर है, वो काफी ईजियर था क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें प्रॉप पे डिपेंडेंट है। ठीक है, एक है जो स्ट्रीट वाला है वो श्रीश जी से मैंने सीखा था। क्या ऐसा कुछ होता है मजिशियन सर्किट में कि आप वहां उनके सीक्रेट हमें नहीं बता सकते हो? क्या ऐसा कुछ उन्होंने? बहुत रूड होता है यार वो बताना, मतलब ये पकड़ना में अरे ये आपने ऐसे किया, ये भी बहुत रूड होता है। अगर अगर मुझे लगता है कि पकड़ भी लिया तो ठीक है, क्योंकि 100 में से एक बंदा पकड़ ही लेगा, सही बात तो है। ऐसा पकड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो रोजी रोटी उनकी। करेक्ट, ठीक है, तो वो मत करो। करेक्ट, तुमको पता चल गया गुड, तुम अपना ट्रिक करके दिखाओ, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द ट्रिक, ट्रिक तो बहुत सिली होती है, इट्स अबाउट द प्रैक्टिस जो उन्होंने इतना टाइम दिया है। तो मतलब आप अभी मैजिशियन सर्किट का कोई एक सीक्रेट अभी रिवील नहीं करने वाले हो? हां, कि एक ऐसा सीक्रेट ये ऐसे होता है देखो? नहीं नहीं, जो ट्रेलर में दिख रहा है कि वो जो आपने फोन प्लास्टिक की बोतल के अंदर डाल दिया, क्या क्या वो आपको आता है करना? हाँ, वो आप कर सकते हो? हाँ, हाँ। क्यों, सही है। हाँ। सारा मेंटल गेम है कि तुम कैसे लोगों को मजबूर कर रहे हो कि तुम वो यहीं देखेगा, वो नहीं देखेगा मेरा हाथ, ये हाथ क्या कर रहा है, तुम उसको मजबूर करोगे कि यहाँ देख भाई, और तुम देखोगे और तुम पता नहीं चलेगा तुम्हें। और वो आप 1000 लोगों की ऑडियंस में भी ऐसा कर सकते हो, 1000 लोग यहीं देखें। सब चीज प्लान्ड होती है, मतलब एवरीथिंग इज जादू का पार्ट, कि लाइट कहाँ से क्यों गिर रही है, इस पे इतनी लाइट क्यों गिर रही है, माइक का वायर्स इधर से क्यों आ रहा है, उसके पीछे वायर्स होते हैं। यू नेवर नो कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं। अभी क्या करना है एज एन एक्टर, व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू? मुझे लगता है कि समहाउ बहुत अच्छी स्टोरीज मैंने अभी तक कही। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब पर्सनली अगर मैं भी वो फिल्में या वो चीज देखना चाहूँ तो मैं ही कहीं कहीं अमेज हो जाऊंगा। आई थिंक ये क्या आपकी एक यूएसपी है, आपका कॉन्टेंट इतना स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि वो कॉन्टेंट इवॉल्व हो कंट्री इन इंडस्ट्री, उसको वो सारी चीज़ें मिलें जो मिलना चाहिए इस तरह के कंटेंट को, जिस तरह के बजट्स रिक्वायरमेंट हैं या जो जो इसमें सारे टेक्नीशियंस और जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो टीम्स इन्वॉल्व हैं, उनको उस लेवल की चीज़ें मिलें हर तरह से, लाइक कंफर्ट वाइज, बजट्स वाइज, जिस तरह से वो कंफर्टेबल हो के ये सारी चीज़ें। और क्योंकि जब आदमी कंफर्ट जोन में जाता है, जब उसको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ही लूजेज बात बोली, बहुत सही बात बोली, तो वो भी एक चीज़ें हैं कि वो भी मतलब लोग रेडी हैं कि अच्छा तुम्हें ये चाहिए हम दे देंगे, बट क्या उस मोमेंट पे तुम वैसा कंटेंट सर्व कर पाओगे जो तुम कर रहे थे आज से एक साल पहले? तो ये दोनों चीजों का जो बैलेंस है सही, ये एकदम ये अगर मैं मेंटेन कर पाऊँ थ्रू आउट आगे, मतलब अगर जो भी एक्टिंग करियर है या स्टोरी मैं जो जिस तरह की बताना चाहता हूँ वो अगर मेंटेन हो जाए तो मजा आ जाएगा। आपको शादी के लिए पुश कर रहे हैं? एक टाइम पे बहुत था पुश, अच्छा अभी नहीं है उनका पुश। उनको शुभ मंगल ज्यादा देख के उनको लगा कि हाँ अभी नहीं करेगा शादी। कुछ प्रॉब्लम हुई उसकी पॉलिटिक्स से, उस फिल्म की ओपननेस से? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये फिल्म आई थी तो पापा ने एक स्क्रीनिंग रखी थी राजमंदिर में, तो बीच में वो काफी मैनेज कर रहे थे, बहुत सारे गेस्ट आ गए थे एंड मतलब जगह नहीं थी बैठने की, तो वैसा वाला सीन हो गया था एंड पापा बहुत बिजी थे ये सब चीज़ों में। एंड फिर बीच में पापा ने ऐसे आंख मारते हुए बोला कि मैं देख के आता हूँ तुमने क्या मस्ती करी फिल्म में। वो वैसी चीज थी जो मैंने पापा को कभी नहीं देखा उस लुक में और उस एक्सप्रेशन के साथ, मैंने कभी नहीं देखा। उनकी भी एक एक अलग साइड दिखी उस वो जो मोमेंट था वो आई थिंक विनिंग मोमेंट था मेरे लिए। आई थिंक वो बहुत बिजी थे सडनली एंड सडनली कह रहे हाँ आप आइए बैठिए एंड सडनली उनको मैं दिखा, मैं भी बाहर ही खड़ा हुआ था, मैं भी फिल्म नहीं दिख रहा था एंड बाहर खड़ा कि मैं देख के आता हूँ तो क्या मस्ती की फिल्म साइड। सो बहुत फन था। तो आप आपकी फोन पे बात होती रहती है घर पे? हाँ, रेगुलरली टच पे? रेगुलरली, बहनों से बहुत रेगुलरली टच में हूँ, मम्मी से हो जाती है ऑल्टरनेट डेज, पापा से कम होती है। नहीं होती? नहीं, अभी भी नहीं है, अभी भी थोड़ा है कि नहीं। हाँ, वो आई थिंक वो वाला आइस ब्रेक वो तोड़ो वो ना, नहीं सकता, इतने बड़े स्टार हो गए। हर बार सोचता हूँ कि यार इस बार तो आइस ब्रेक करनी है, और फिर लगता है कि वो एक अचीवमेंट है लाइफ की। हाँ हाँ, वो जो जो कर लेता है, जो जो फ्रेंड्स वो लोग कर पाते हैं, वो बड़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कर लिया। कुछ फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे नहीं है। आप लिखते हो? मतलब ऐसे कॉलेज में मैंने प्लेस वगैरह लिखे हैं। आपने तेंदुलकर के प्लेस किए हैं? इफ आई एम नॉट, मतलब सखाराम बाइंडर लीड किया आपने? सखाराम बाइंडर ऐसा प्ले है जिसने बहुत कुछ चेंज किया, मतलब इन लाइफ, मतलब उससे पहले तक वहां पे भी स्ट्रगल है यार, इट्स नॉट इजी। मुझे, मैं थर्ड ईयर में था तो मुझे एक बड़ा प्ले का लीड रोल मिला, उससे पहले मतलब एक दो बार लीड किया है बट वो उतने बड़े लेवल के प्लेस नहीं थे, वो ओपन आईटी प्लेस थे। ओपन आईटी प्लेस थोड़े फ्रेशर्स के लिए होते हैं, जो नए लोग आए हैं उसी ऑडियंस के लिए होते हैं। इजीली तुमको ऐसा नहीं है कि तुम फर्स्ट ईयर में तुमको चांस मिल रहा है। कुछ लोग थे कि जिनको फर्स्ट ईयर में ही चांस मिल रहा है बड़े प्लेस करने का, लीड रोल्स करने का प्लेस में, तो जेलेसी भी होती थी। आई थिंक इट वॉज माई थर्ड ईयर जिस टाइम पे जब मैं सीनियर बना, तो फाइनली जो सीनियर्स थे जो जिनके हाथ में चीज़ें थी
उन्होंने डिसाइड किया कि यू विल डू द लीड. अच्छा, दिस इज योर प्ले. क्या वही सीनियर थे जो टीवीएफ में लाया आपको और जो टीवीएफ चलाते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये ड्रामेटिक सोसाइटी वाले सीनियर. समझ गया. विश्वपति सरकार किसी सोसाइटी में ड्रामेटिक में थे ही नहीं, पार्ट नहीं थे. अच्छा. वो उनको मेनली फिल्म्स वाला मतलब था, बट उन्होंने स्टार्ट किया कि मैं खुद से लिखता हूँ और फिर उन्होंने एक प्ले किया. अच्छा, उन्होंने खुद लिखा था, खुद लिख के किया था और वो माइंड ब्लोइंग था क्योंकि अब तक हम क्या कर रहे थे ऐसे रिटन प्लेज, वो वाली लैंग्वेज जो पुरानी है, जो 20 साल पुरानी लैंग्वेज है. आपने सखराम की लैंग्वेज अडैप्ट नहीं किया, आपने एकदम यू वर स्टिकिंग टू द टेक्स्ट. एग्जैक्ट, हां एग्जैक्ट टेक्स्ट उठाया पहली बार वो जब वो बिस्सो का जब प्ले देखा. बट उसमें क्या यूनिक देखा आपने कि उसमें जो बातचीत हो रही है वो नेचुरल बातचीत जो हो रही थी, मतलब वो मुझे लगा कि ये कैसे प्ले हो सकता है, इन्होंने ये रिहर्स किया, ये प्ले ये रिहर्स कैसे कर सकते हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये 45 दिन रिहर्स किया, 1.5 महीने रिहर्स किया ताकि इतना नेचुरल लगे. और मुझे लगा कि यार इस आदमी के साथ काम करना यार, और वो लिटरली वैसा था कि हाँ मतलब एक डिफरेंट प्रोसेस दिख गया. हाँ, मैंने स्टॉक किया बिस्सो को कि कैसे कहाँ जा रहा है आदमी, मुझे पकड़ना है इस आदमी को. पटेल उनका हॉल था और एक नेहरू था, पटेल नेहरू का बास्केटबॉल मैच है और वहाँ पे वो उनको वो क्राउड में होंगे सपोर्टिंग, मतलब सपोर्ट के लिए. ठीक है. मैंने कहा मैं अपना लैब छोड़ गया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं बास्केटबॉल से. मैं वहाँ जाके और पटेल को सपोर्ट कर रहा हूँ और बिस्सो के बगल में बैठा हूँ. और फिर फाइनली मैं मिला बिस्सो से कि यार बिस्सो एक्टिंग करना है. ठीक है. बोला कि अरे हाँ मैंने देखा तेरा सखाराम माइंडर देखा. हाँ मैंने सखाराम माइंडर देखा, कुछ अलग करते हैं वो. आपके एक साल सीनियर पे? वो एक साल सीनियर. ठीक है. देन हम लोगों ने पहला एक प्ले किया विच वॉज शालू का कमरा. अच्छा. सो उसमें वैसा होता है एक बंदा बंदी को देखने के लिए आता है और उनकी स्टोरी है, सिर्फ दो लोग, एक कॉन्वर्सेशन. मुझे वो प्रोसेस में घुसना था कि जो पूरा थिएट्रिक्स थे और उससे निकलना था कि यार ये कैसे कर रहे हैं यार लोग, कि इतने रियल लग रहे हैं और इतनी नेचुरल बातें हो रही हैं, ऐसे लिंगोज कौन सोचता है यार. आई थिंक उस प्ले से स्टार्ट हुआ हमारा बॉन्डिंग, हमारा फ्रेंडशिप. फिर हम लोगों ने और बातें शुरू की कि फिल्म्स, मेरा उतना नहीं था फिल्म्स में, बहुत इंटरेस्ट नहीं था, मैं सिर्फ बॉलीवुड की फिल्में देखता था. मतलब मैं हॉलीवुड में हार्डली मैंने कोई, मतलब उस वक्त स्वदेश दिल से ही. हाँ हाँ, यही जोन था अपना. इसमें भी मतलब यहाँ तक भी मैं लेट पहुँचा हूँ, मतलब 70s की फिल्में देख रहा हूँ, ढूंढ ढूंढ के पुरानी फिल्में देख रहा हूँ जो देखी नहीं होगी किसी ने भी और जो कोई देखना भी नहीं. तो मनमोहन देसाई या शाम बेनेगल? मनमोहन देसाई. मनमोहन देसाई. 70s में तो शाम बेनेगल भी. शाम बेनेगल बाद बाद में. ठीक है ठीक है. जब वो भी बिस्सो से सजेशन आएगी ये फिल्म देख, अरे क्या किया नसीर साहब, अरे क्या किया है शबाना मैम ने, क्या किया नीना मैम ने, तो वैसी वाली चीज. नसीर साहब से मिले क्या? हाँ, तो भाई स्टोरी. तो धीरे धीरे हम लोगों ने 2-3 प्लेस किए, वो बहुत बड़े हिट हुए. ठीक है. एंड फाइनल ईयर में हमने डिसाइड किया कि हम फिल्म बनाएंगे, हम एक पूरी स्टूडेंट फिल्म बना के ले जाएंगे, फुल फ्लेजेड 2 घंटे की फिल्म. फीचर एंड SF था, कल्चरल फेस्ट था, नसीर साहब उनके भाई, उनका नाम भूल गया, तो ये दोनों लोग आए हुए थे, जमीरुद्दीन. हाँ, तो वो विजिट करने आए हुए थे और हमें कहीं से पता चला और हम लोग शूट कर रहे थे. तो हम शूट से भाग के आए और वो देख रहे थे, वो ओल्ड खड़गपुर बिल्डिंग देख रहे थे और वो पूरा इन्वॉल्व थे बिल्डिंग में. या यार ऐसे देख रहे थे वो, और मैं उनके यहाँ पे साथ साथ चल रहा हूँ, वो जहाँ जहाँ वॉक कर रहे हैं मैं साथ में चल रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ उनको. एंड मैंने बोला कि तो जैसे जहाँ वो रुके, थर्ड टाइम जहाँ रुके, मैंने कहा यार सर ऑटोग्राफ सर. जैसे ही ऑटोग्राफ सुना उन्होंने घूर के मुझे देखा, वो लुक मैं नहीं भूल सकता. And he continued कि हाँ अच्छा ये और बिल्डिंग है. And he left. आंखें दिखा दी. हाँ, और मुझे लगा कि ये मैंने क्या किया यार, मैं मतलब पूरा, मतलब एक लहर दौड़ती है ना बॉडी में, ये क्या किया मैंने यार. तो वो लहर सी दौड़ गई बॉडी में. एंड देन आई, तब बिस्सो आए, तो पागल क्या. तो बिस्सो के पास स्क्रिप्ट थी, फिल्म की स्क्रिप्ट थी. बिस्सो बोला कि सर प्लीज टच आवर स्क्रिप्ट, सम मैजिक विल क्रिएट एंड वी आर मेकिंग अ फिल्म. एकदम फिल्मी सीन चल रहा है. तब देन ही सेड ओ हो नो मैजिक विल क्रिएट एंड नथिंग हैपेंस विद माय टच एंड ऑल. नो नो, देन ही थोड़े से हैप्पी हो गए. बहुत सही किया है आपने, बहुत सही किया है. सी यू एंड हु इज प्लेइंग लीड. एंड देन ही सेड कि सर ही इज प्लेइंग द लीड. ओ डू रिहर्स, रिहर्स अ लॉट. To make a bad film, you have to rehearse a lot. So, मैंने बोला, yes sir, I rehearse a lot. Then he, उन्होंने script पे sign किया, वो है मेरे पास अभी autograph. अच्छा, वही बात है. And then, शाम को उनका lecture था. अच्छा, lecture देने भी आए थे. Open theater में, like पूरा 7,000 के crowd में, उनका lecture था. अच्छा. And then he mentioned one thing, कि आज 2 नौजवान आए थे मेरे से autograph लेने, और वो पूछने आए थे कि किस तरह की हम फिल्में बनाएं. मैं उन्हें बोलना चाहूँगा कि जब फिल्म 2012 की बात थी, कि जब 10 साल बाद लोग तुम्हारी ये फिल्म देखें तो लोगों को पता लगना चाहिए कि 2012 ऐसा हुआ करता था.
सिर्फ उतनी ही ऑनेस्टी से फिल्म बनाई, तो वो बात रह गई थी। इंटरेस्टिंग बात है यार, कि बहुत की बात है कि लोगों को लगना चाहिए कि यार ओ 2012 में ऐसी चीज़ें हुआ करती थी, इस तरीके से लोग बातें करते थे या इस तरह के कैरेक्टर थे, लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ इमोशन कभी भी चेंज नहीं होते हैं, बट अटायर, बट करेक्ट, जो लोग उस टाइम पे लोग बियर्ड वाला कल्चर था या क्लीन शेव वाला कल्चर था या गोटी वाला कल्चर था, तो वो दिखे लोग उस टाइम और स्पेस को ट्रू, तुम हाँ वो उस स्पेस में तुम ट्रूथ रहो, और वो सबके सामने से किया हम लोग यस यस हमारे बारे में बात कर रहे हैं मुझे पता भी नहीं है और मुझे लगता है आप इंटरेस्टेड नहीं बताने में तो मत बताना, बट आर यू डेटिंग समवन राइट नाउ और आर यू लाइक आर यू कैजुअली डेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल? अपनी कोई दिक्कत, कुछ डेटिंग लाइफ की दिक्कत बताओ। पसीने छूट गए मेरे। अरे सर नहीं, वो तो गर्मी इतनी है और इस बारिश का ऑडियो के लिए तो मुझे नहीं लग रहा है ना कॉम्पनसेट किया होगा। बताओ कुछ कुछ और। नहीं कुछ और नहीं, यही कुछ और नहीं। एकदम ये एकदम गजराज राव वाला टर्न दिया आपने। कुछ किस्सा, कुछ भी, जल्दी जल्दी अब रैप अप करना, आई नो यार टाइम कम है। हाँ आई थिंक नीना मैम से मिलके बहुत वो फील आती है, बहुत जेन्युइन वाइब आती है, जो है मतलब वो जो तुम पूछने जा रहे हो ना, नीना मैम सब बात कर सकती है। नहीं मैं पूछना चाहता हूं क्वालिटी, मैंने तो पूछ लिया आपसे। हाँ तो मैं बोल रहा हूं, आप बताना नहीं चाह रहे हो। वही बोल रहा हूँ, तो नीना मैम में वो क्वालिटी है कि वो बहुत छुपा नहीं सकती चीज़ों को और वो बहुत अच्छे से चीज़ें बता भी देती है। बहुत ही अच्छी बात ये है। वही बोल रहा हूँ, ये एक क्वालिटी है कि कुछ प्रिटेंस नहीं है, ऐसा कुछ जो आपके सामने उन्होंने ऐसा बोल दिया कुछ भी डांट देंगे, क्या पहन रखा है अच्छा नहीं लग रहा, ये कौन कर रहा है स्टाइल, तू कितना तू नॉर्मल कपड़ों में कितना अच्छा लगता है, तो उस लेवल पे आती है, मतलब उतनी ब्लंट उतनी ऑनेस्ट है। आई थिंक शुभमंगल के बाद आई थिंक सबसे पहले जिन्होंने हक किया था, जो सबसे पहले जो सारी एक एक चीज की तारीफ की थी, एक एक चीज नोटिस करके जो तारीफ की थी, वो नीना मैम। अच्छा मतलब वो बिल्कुल, मैं हम लोग साथ में बैठ के देख रहे थे, वो मेरे आगे बैठी हुई थी, फिल्म खत्म हुई एंड सबसे पहले उन्होंने मतलब मुझे हक किया, बोला कि बहुत सही, उस पर तो खुशी मिली होगी। तो बहुत ज्यादा खुशी मिली थी क्योंकि मुझे पता है कि कुछ भी प्रिटेंस नहीं, क्योंकि वो बोल देती है कि तू वो डायलॉग अच्छे से नहीं रहा है, क्या कर रहा है, हाँ बहुत ही गंदा किया तुमने इसी। इतनी जेनुइन है वो, इतनी जेनुइन कि एक बार और कर लेते, एक बार और कर लेते, रिहर्स कर ले तुझे करना है तो, और मेरा भी शायद खराब था कुछ, तो अपन एक बार ठीक से फ्लो में आ जाते हैं तो कर लेते हैं। सो मतलब उनको वो उस लेवल पे ऑनेस्ट होना, क्योंकि हमारा वो रहता है कि मिल गया ना भाई, हो गया ना टेक, सही बात है, हाँ हाँ हो गया, तुम्हें पता है तुम्हारा हुआ है फंबल, फंबल नहीं है वो मैंने इंटेंशन में था यार, अच्छा वो फंबल नहीं चाहिए, वो मैं चाह रहा था, चल ठीक है फिर मैं एक और कर लेता हूँ, बट वो था नहीं, हाँ वो इंटेंशन तो अपन इस लेवल के डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। अच्छा अभी भी हो इतने डिसऑनेस्ट? नहीं कम ऑन, यू आर मोर डिसिप्लिन्ड देन दिस। मतलब वो वहाँ मतलब मुझे योगेंद्र जो मेरे भाई हैं उन्होंने एक चीज बोली थी कि अगर अपने काम के साथ ईमानदार नहीं हो ना फिर कुछ पॉइंट नहीं है, मतलब फिर सही बात है, फिर मतलब फिर तो सब कुछ होगा तुम्हारे साथ। मैं नीना मैम को 6 महीने से चेज कर रहा हूँ, वो कभी दोनों के साथ, वो कभी वहाँ पहाड़ों में होती हैं, वो कभी यूरोप में होती हैं, उनसे बात ही नहीं हो पा रही है। दिल्ली हो पहाड़ों में चले जाओ। हाँ हाँ मैं वही करना चाहता हूँ। 8 घंटे का रास्ता है, बिल्कुल ड्राइव करके निकल जाओ और मतलब मिलो उनसे, मुक्तेश्वर में ना, हाँ हाँ बात हुई थी एक बार, हमने जाना था तो उनको जाके इंटरव्यू कर लो। रघुवीर सर का क्या है? बहुत मजेदार है, काफी मतलब समहाउ मतलब आई थिंक मैं तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और वो भी बहुत मानते हैं, मतलब बहुत प्यार से रखते हैं। एक चाम आ जाता है जब आप दोनों साथ में स्क्रीन में होते हो ना। एक एक जोड़ी आपकी और गजराज सर की थी, लेकिन ये जोड़ी भी एक है। एक्टिंग के क्राफ्ट को लेके किस तरह आप अप्रोच करते हो, आपका मेथड और स्टार फील में भी और बॉलीवुड पार्टीज़ फैमिली, मुझे और बहुत सारी और बातें करनी थी, तो वो बातें अगर रह गई हूँ तो भाई वो टाइम की लिमिटेशन थी, हमारी नीयत एकदम साफ थी, हमें बातें करनी थी। एक बार आप इस मास्टर में देख के बता दो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और फिर 2 बातें और बुलवाऊंगा जो मैं रखूंगा एडिट पे, चाहे नेटफ्लिक्स वाले कटवाना चाहे, लेकिन रखूंगा मैं। आप प्लीज इस मास्टर में देख के बता दीजिए, मजा आया जितना भी? बहुत मजा आया, आई थिंक मैंने बहुत खुल के बातें की हैं, और इतनी खुल के बातें कम कर पाते हो तुम, और ऐसा लगा नहीं कि हाँ मैं कुछ किसी पर्टिकुलर चीज को प्रमोट करने के लिए ये कर रहा हूँ। हाँ नहीं अच्छा सॉरी, वो बोलता रह गया, वो भी बोल दीजिए। जादूगर जो फिल्म है, जो काफी स्पेशल फिल्म है मेरे लिए, और वो क्यों है स्पेशल? यार ये स्पेशल इसलिए क्योंकि जो डायरेक्टर हैं समीर सक्सेना और जो राइटर हैं विश्वपति सरकार, इनके साथ में बॉम्बे आया और हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है पिछले 10 सालों में ऑनलाइन, और फाइनली पहली फिल्म है समीर सक्सेना की और विश्वपति सरकार की। तो एक तरीके से सिर्फ आपकी नहीं, पूरी टीम की जर्नी जो IIT से यूट्यूब से यहाँ जाई, वो अब एक फीचर फिल्म में, एक फीचर फिल्म में आ रही है। आई थिंक आई एम रियली ग्लैड कि मैं उस फिल्म का पार्ट हूँ जो समीर और विश्व की पहली फिल्म है, और बहुत स्पेशल फिल्म है, प्लीज़ वॉच इट,
और बताओ कैसी लगी। और नेटफ्लिक्स पे जादूगर देखो और यूट्यूब पे अगर ऐसे इंटरव्यूज और देखने तो यूट्यूब पे देखो अनफिल्टर्ड बाय संदीश। सो अनफिल्टर्ड बाय संदीश जो यूट्यूब चैनल है बिल्कुल बिल्कुल वो आप सब्सक्राइब करो और सारे इंटरव्यूज देखो। बहुत इंटरेस्टिंग लोगों को ये लेके आते हैं और उनसे बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हैं और अगर दिल से बातें करते हैं तो प्लीज देख लेना। और अगर चाहते हो कि जीतू को लेके मैं एक लंबा इंटरव्यू करूं अपने यूट्यूब चैनल के लिए तो कमेंट सेक्शन में बता दो। जादूगर देख लिए तो जादूगर कैसी लगी, फेवरेट सीन कौन सा लगा, क्यों वो दुनिया की बेस्ट फिल्म है और क्यों नेटफ्लिक्स को लेके मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और लेना क्या? बोले बोले एक सेकंड, आर यू रेडी? हाँ वन सेकंड, यस। हाय गाइस, जादूगर स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स नाउ। हाय गाइस, नहीं अच्छा, जादूगर नाउ स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स, नाउ स्ट्रीमिंग, नाउ जादूगर नाउ स्ट्रीमिंग, वो हमारा थीम है। अच्छा हाँ, जादूगर नाउ स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स, सो प्लीज वॉच इट। हम बोलोगे हैं? नहीं, एक 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 सेकंड, चलो जादूगर नाउ स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स प्लीज वॉच इट। एक रोते रोते नहीं नहीं, ये सब क्या कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो, मैं जो भी बोलूंगा करोगे, बस हो गया। सही है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।